जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें पेंटिंग बनाने वाले स्ट्रीट प्रोफेसर नरेंद्र सिंह ने यहां पर बताया है कि पेंटिंग के माध्यम वो अपना विरोध जता रहे हैं। तो ये जेएनयू में जो हिंसा हुई है उसी को लेकर एक प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन का एक अनोखा यहां पर तरीका हमें देखने को मिला है। पेंटिंग बनाकर अपना विरोध जता रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं नरेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि विरोध जताना है और अब अपना विरोध इस पेंटिंग के जरिए वो जता रहे हैं। तो छोटे भी जिन छात्रों को आए हैं जेएनयू में जो हिंसा हुई है उनके प्रति भी अपनी संवेदनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, लेकिन इस पेंटिंग के जरिए एक अनोखा तरीका प्रदर्शन का। पेंटिंग बनाने का मुख्य उद्देश्य है देश के संविधान को बचाना, देश की विश्वविद्यालयों को बचाना। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, अब देखें जेएनयू में जो हमला हुआ ये बहुत निंदनीय है, और जिस तरह से लोग मुंह बंद करके आ रहे हैं और छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि देश में क्या एजुकेशन संस्थान बचेंगे कि नहीं? ये सरकारें बचाना चाह रही हैं या नहीं बचाना चाह रही हैं?